दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों कई लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि तू दूसरे के वीडियोस को चीट करता है, यानी कि दूसरे वीडियोस को कॉपी करता है। सो गाइस उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हाँ मैं कॉपी करता हूँ, बट किसी के वीडियोस को देख के नहीं। बट गाइस जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जो कि बेसिकली एक बुक होता है, उसमें बहुत सारे क्राफ्ट्स के डिजाइन दिए हुए रहते हैं, जस्ट उसी से मैं सीखता हूँ, उसी का वीडियोस बनाकर मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, ठीक है। इवन मेरे पास बहुत सारे बुक्स भी है जिनसे मैं सीखता हूँ और आप लोग को बना के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपके स्कूल में ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जो कि आप लोग को इस तरह के क्राफ्ट बनाने वाले बुक बेचते होंगे, जस्ट उसी तरह के मेरे पास बहुत सारे बुक्स है जिसे मैं सीख कर आप लोगों को क्राफ्ट्स बना के दिखाता हूं। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं पूरी तरह से किसी के वीडियो को देख के कॉपी नहीं करता हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इन सभी बातों को साइड में रखते हैं। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग तीन कमाल के पेपर वेपन्स को बनाने वाले जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एंड गाइस इनके साथ खेलने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पहले पेपर वेपन को बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर मैंने 15 बाय 20 सेंटीमीटर का एक पेपर ले लिया। आप लोग नोटबुक के पेपर का यूज करना, उससे और भी ज्यादा अच्छा बनेगा। दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग बिल्कुल बीच से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से हम लोग खोलेंगे एंड इसके आगे वाले हिस्से से कुछ इस तरह से दोनों साइड से हम लोग इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे, जैसे कि अब आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज्यादा इजी है। दोस्तों यहां पर इसको फोल्ड करने के बाद दोबारा से हम लोग इसको रिपीट करेंगे एंड फिर से इसको आगे से कुछ इस टाइप से दोनों साइड से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे, जैसे कि अब आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों इसको हम लोग पूरी तरह से पीछे कर पलटेंगे एंड यहां पर कुछ इस तरह से इस वाले साइड से भी हम लोग इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। यार आप लोग वीडियो को छोड़ देते हो और इतने अच्छे अच्छे टॉयज को मिस कर देते हो, तो प्लीज ऐसे गलती मत करना, ठीक है। सो गाइस इसको हम लोग बिल्कुल बीच से फोल्ड कर देंगे, जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों इसको दोबारा से हम लोग पीछे की ओर पलट देंगे एंड इस वाले कोने से कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, कुछ इस तरह से आपको इसको फोल्ड करना है। उसके बाद दोस्तों इसको फिर से आप लोग को पीछे की ओर कुछ इस तरह से फोल्ड करते हैं। यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से इसको अच्छी तरह से मोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पर इसको मोड़ने के बाद यहाँ पर आप लोग को एक छोटा सा यहाँ पर और पेपर देखने को मिलेगा। इस वाले पेपर को कुछ इस तरह से हम लोग फोल्ड करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पर मैं इसको चिपका दे रहा हूँ। आप लोग इसको फोल्ड करोगे तो ये यहाँ पर इसी तरह से फोल्ड होकर रह जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को एक होल दिखेगा, इसके अंदर जस्ट आप लोग अपने उंगली को डाल देना। तो ये हम लोग का बन चुका एक क्लॉ जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। सो गाइस इसके लिए एक लाइक कर देना। अब दोस्तों मैंने लिया है A4 साइज का एक नोटबुक का पेपर। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको बिल्कुल बीच से फोल्ड कर देंगे एंड दोस्तों इसको फिर से हम लोग कुछ इस तरह से बिल्कुल बीच से फोल्ड कर देंगे। फिर से हम लोग कुछ इस तरह से इसके साइड से इसको बिल्कुल बीच से फोल्ड कर देंगे। दोस्तों इसको फोल्ड करने के बाद इसके आगे वाले हिस्से से हम लोग कुछ इस तरह से इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से। यहाँ पर इसको फोल्ड करने के बाद अब हम लोग दोबारा से इसको बिल्कुल बीच से फोल्ड कर देंगे। अब दोस्तों ये खुलना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको टेप की मदद से चिपका दूंगा एंड जितने भी टॉयज है वो बिल्कुल न्यू आइडियाज होने वाले, कुछ भी रिपीटेड कॉन्टेंट नहीं होगा। इसको चिपकाने के बाद अब मैंने लिया है 8x10 सेंटीमीटर का एक पेपर। सो गाइस इसके ऊपर हम लोग अपने इस पेपर को रखेंगे एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे एंड गाइस इसको भी यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से टेप की मदद से चिपका दूंगा। सभी को चिपकाने के लिए आप लोग ग्लू का भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं टेप का यूज कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे एंड लास्ट वाले हिस्से को हम लोग कुछ इस टाइप से टेप की मदद से चिपका देंगे। लास्ट में यह बहुत ही ज्यादा कमाल का चीज बनने वाला, जस्ट आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहेगा। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिजाइन देने के लिए यहाँ पर मैं इसको ब्लैक टेप की मदद से चिपका देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं टोटल 2 पीसेस को बना कर रखा था। सो गाइस यहाँ पर आप लोग कुछ इस टाइप से गैप्स देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आप लोग कुछ इस टाइप से दोनों साइज़ को डाल देना एंड गाइस फाइनली ये हम लोग का बन चुका है काफी ज्यादा कमाल का डबल स्वॉर्ड। तो ये दिखने में तो काफी ज्यादा कमाल का है। सो गाइस इसको बनाकर आप लोग छोटे बच्चों को दे सकते हो, उनको काफी ज्यादा पसंद आएगा एंड इसमें किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। अब दोस्तों हम लोग बनाएंगे एक और कमाल का पेपर वेपन। सो गाइस यहां पर मैंने A4 साइज के पेपर को ले लिया। सबसे पहले हम लोग इसका एक बड़ा सा रोल बनाएंगे। सो गाइस यहां पर मैंने कुछ इस तरह से इसका रोल बना दिया। रोल का साइज आप लोगों को कुछ इतना रखना है। अब दोस्तों फिर से मैंने एक A4 साइज के पेपर को ले लिया। सबसे पहले हम लोग इसको बिल्कुल बीच से फोल्ड करेंगे एंड इसके साइड से भी कुछ इस तरह से इसको बीच से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको खोलेंगे एंड इसके आगे वाले हिस्से से कुछ इस टाइप से दोनों साइड से इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड दोबारा से इसको रिपीट करेंगे, फिर से इसके आगे वाले हिस्से कुछ इस टाइप से दोनों साइड से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे एंड इसको कुछ इस तरह से बिल्कुल बीच से फोल्ड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इस वाले हिस्से को चिपकाने की जरूरत है। सो गाइस यहाँ पर मैं ग्लू का यूज कर रहा हूँ, आप लोग टेप या फिर किसी भी चीज के मदद से चिपका सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया। अब दोस्तों इसका ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ पर मैं इसको कैंची की मदद से कट कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेंगे अपने रोल को एंड इसके ऊपर इसको रखेंगे एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पर मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हटाएंगे एंड इस मार्किंग लगाए हुए हिस्से से कुछ इस टाइप से हम लोग कटिंग करेंगे एंड इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इस वाले हिस्से को हम लोग कट करके हटा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होल देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों हम लोग अपने ट्रायंगल शेप को लेंगे एंड इस होल के अंदर कुछ इस टाइप से इसको डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसको टेप की मदद से चिपका दूंगा। सो बस फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चिपकाने के बाद ये हम लोग का एक पेपर एक्स बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों आप लोग ये सभी टॉयज कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना एंड गाइस यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम का यूजर नेम आप लोगों को शो हो रहा है, प्लीज जाकर फॉलो करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।